बावली नाहर मंगरा व नांदवेल गांव में मंगलवार को देव झूलने एकादशी व राम रेवाड़ी पर बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों के साथ नाचते गाते मनाया गया। हर साल ठाकुर जी की राम रेवाड़ी बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है, लेकिन इस साल का ये राम रेवाड़ी व एकादशी पर बहुत ही खास रहा है मावली वासियों के लिए, क्योंकि इस साल नाहर मंगला एनीकट व गंधर्व सागर व सांगवा एनीकट 16 साल बाद छलका है। इसी हेतु नाहर मंगरा व नांदवेल गांव के लोगों ने गंगा माँ के 16 साल बाद आने के उत्साह हेतु चांदी की पालकियों में ठाकुर जी को विराजित करते हुए नांदवेल व नाहर मंगरा गांव की अलग अलग राम रेवाड़ियां लेकर मावली के सिटी सेंटर यानी कि इंदर बाग लेकर पहुंचे और वहां दोनों ही राम रेवाड़ियों की पूजा अर्चना पूरे ही विधि विधान से हुई। साथ ही पंडितों ने नदी पर भी ठाकुर जी को स्नान कराया व नदी पर गंगा माँ की पूजा अर्चना की और पुनः नगर भ्रमण करते हुए राम रेवाड़ियों को अपने अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हुए मंदिरों में भी स्थापित किया गया। नगर भ्रमण करते हुए नांदवेल व नाहर मंगरा दोनों ही गांव के सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हुए। इस पूरे कार्यक्रम में उदयपुर व आसपास के कई गांवों के युवा व जनता इस माहौल में शिरकत करने पहुंचे, साथ ही ग्रामीणों में इस पूरे राम रेवाड़ी पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह बैंड बाजे व भीड़ और रैली के रूप में दिखाई दी। साथ ही इस महीने में गवरी भी भरी गई है, सो गवरी का मंचन देखने हेतु भी आसपास के कई ग्रामीण पहुँच रहे थे। नाहर मंगरा गांव दरबार के समय से बसा हुआ गांव है और यह त्योहार पूरे प्राचीन रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए ग्रामवासी मनाते हैं। इस पूरे राम रेवाड़ी पर में दोनों ही गांव के कई ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। साथ ही पूर्व प्रधान मांगीलाल जी चौधरी, ग्राम पंचायत नांदवेल देवी लाल जी डांगी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन चौधरी, पूर्व पंचायत पति सीताराम डांगी, पूर्व उप सरपंच पति महेंद्र चौधरी, मांगीलाल जी खींची, खेमराज जी खींची, धनराज जी खींची, शोभा लाल जी खींची, मोहन जी सिसोदिया, दुर्गेश चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, निर्मल चौधरी, नंदू खींची, विक्रम सिंह देवड़ा, गोपीलाल खींची आदि ग्रामीण सम्मिलित हुए। आज हम सब पूरे नारामंगरा गांव वाले और नांदिल गांव वाले, आज हम सब नारामंगरा और नांदिल गांव के समस्त ग्रामीण, समस्त युवा, समस्त बुजुर्ग, समस्त महिलाएं, हम सब आज देव झूलने एकादशी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे पूरे गांव के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है। हमारे गांव ने गवरी भी ली है। आज देख सकते हैं हमारे युवा वर्ग जो उदयपुर रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, वो भी आज के दिन सभी यहाँ आते हैं। और 16 साल बाद हमारे यहाँ नदी जो आई है, जल गंगा जल प्रवेश हुआ है, वो भी इस बार हमारे काफ़ी हर्षोल्लास लोगों में है। गवरी के लोग, हमारे गांव के लोग, नांदेड़ के लोग, नाम लोग, युवा बुजुर्ग महिलाएं सभी नाचते गाते हुए आज ये ठाकुर जी को नगर भ्रमण के लिए लेके आए हैं और आज ये नगर भ्रमण होगा और सभी में पूरा उत्साह है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इसी तरह ये त्यौहार हमारे सबके लिए बड़ी खुशी से और मंगलमय हो। ये कितने साल से हो रहा है कि नांदवेल और नारामंगरा एक करके ये देव जी ग्यारस के अंदर ये एक साथ वो करते हैं? ये बरसों पुरानी प्रथा है, बरसों पुराना रिवाज है। हमारा गांव दरबार का गांव है और हम जब तक समझ पकड़ी और हमारे पिताजी की जब हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हम बुजुर्ग ने कहा कि भाई हमें भी पता नहीं कब से प्रोग्राम हो रहा है, बरसों पुराना प्रोग्राम है और ये हमारा गांव प्राचीन गांव है और दरबार के जमाने का गांव बसा हुआ है। दरबार के हमारा जो ठाकुर जी मंदिर वो भी दरबार के क्षेत्र में आता है और बड़ा प्राचीन, बड़ा अच्छा त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ, बड़ा खुशी से मनाया जाता है।